जो पूरे वर्ल्ड कप में कहते रहे कि विराट को तीन नंबर पर खेलना चाहिए था, लगातार ओपन में फ्लॉप हुए, आए फाइनल में वो खेले, लेकिन क्या ये फैसला आखिर में सही साबित हुआ? मतलब एक पारी खेली लेकिन उससे फैसला सही साबित हो जाता कि आखिर में आके जो पारी खेल दी उससे जो गलती हुई थी, क्या हमने विराट को ओपन खिलाया तीन नंबर ना खिलाया? जिस तरीके से वो आईपीएल में भी बतौर सलामी बल्लेबाज वो रन बना रहे थे, वो पावर प्ले को कैपिटलाइज करने की बात थी, यशस्वी जायसवाल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के बारे में आप सोच सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ टीम की एक सोच थी कि तीन नंबर पे आपके पास एक लेफ्ट हैंडर आ जाएगा, फिर सूर्य कुमार यादव है, फिर जरूरत होगी तो अक्षर पटेल को बैटिंग में प्रमोशन देंगे, शिवम दुबे हैं जो बड़ी बड़ी हिट लगा सकते हैं, हार्दिक पांड्या है, उनको उस समय लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिचेस खेल रही, अगर यही पिचेस आप चिन्नास्वामी होता या हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होता या आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ पे अहमदाबाद में होता तो फिर गेम बदल जाता। ये ऐसा था कि नए बॉल से आपको साथ साथ में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बैटिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी दे, सिर्फ हर बॉल को बाहर मारने की जरूरत नहीं है। आपने यूएस में न्यूयॉर्क में देखा कि 115 रन बनाने मुश्किल हो रहे थे, बिल्कुल। तो उस लिहाज से भारतीय टीम ने कहा हमारे लिए हमारा बेस्ट 11 क्या कॉम्बिनेशन है, हम उसके साथ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, 7 रन से आज हम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए हैं और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हर तरफ पटाखे ही पटाखे छूट रहे हैं, और ये बारबेडोस की तस्वीर है आपके सामने, और ये जो जश्न है ये थमने वाला नहीं है। और फिलहाल बारबेडोस की अगर बात करें, जब ये डे मैच था और जो ये वक्त वहाँ पर हो रहा है फिलहाल उसकी अगर बात करें, तो बारबेडोस में इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3:40 PM और हमारे यहाँ पर रात के बज रहे हैं इस समय 1:10। तो आप देख सकते हैं कि वहां के दिन के उजाले में और उजाला हो गया है और यहाँ के रात के अंधेरे में भी उजाला हो रहा है पटाखों से। और चलिए सुनते हैं फैंस क्या बोल रहे हैं। थैंक यू बॉयज। पहले अपना नाम बताना, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम राहुल है, मैं वर्जीनिया से आया हूँ, बहुत सारा मुश्किल है। ये मेरा डैडी है, डैडी हैदराबाद से ऑन द वे, एंड 10 साल के इंतजार के बाद पहली बार इतनी खुशी कभी नहीं देखी हमने। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर मेमोरीज टुगेदर। थैंक यू इंडिया, आज का ये T20 लास्ट का। मुझे मिक्स, मुझे पता नहीं, मुझे हंसना है कि रोना है कि मिक्स फीलिंग है यार। इट्स लाइक आई हैव मिक्स फीलिंग बिकॉज विराट कोहली इज लास्ट T20। आई लव यू इंडिया, वी वॉन द गेम। First World Cup in South Africa and second World Cup with South Africa. From South Africa to South Africa, we are the winner and we love Virat Kohli. And he is going to be always admired and listened for the India. Love you all. Rohit Sharma, please, thank you for you. Hey, West Indies for India. It's all West Indies fans for India. Ladies. Bumrah. Okay. West Indies for India. Love you guys. What ever happened in the match, we already know. It's go India! It's the most catch we ever had. But that catch... on out of the boundary, coming back into the boundary with one hand, India, and the whole team just lift up the spirit. The whole team spirit was lift up. You know how tight it was, 13-30. Yeah, after Bumrah done his magic, Ashdeep done his magic, and the whole team just charged up, and we are here. World Cup is coming home, baby. जब इनिंग में 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे और बुमराह की वापसी हुई है, बल्कि आगे कोई नहीं है। हार्दिक पांड्या, सब लोगों ने जो वर्ल्ड कप में एक बार बॉलिंग का क्लास दिखा है, वो ऐसा कहा जाता है कि बैट्समैन को एक मैच जिताते पर जो बॉलर होते वो पूरी टूर्नामेंट जिताते। Thank you. Where would you air this on? We
बहुत हम खुश है गुजरात के प्लेयर ने जीत अपने खाने पड़े बहुत खुश उसके लिए भाई जो डर था 19 तारीख का वो डर आज भी लग रहा था पर लास्ट में फाइनल ओवर में हम लोग जीत गए इंडिया फाइनली भाई इतने दिन से कोहली नहीं खेल रहा था तो उस पर डिबेट हो रही थी लेकिन फाइनली आज कोहली ने खेल के दिखा दिया कि वो ही किंग है और बाद में जब ओवर की बारी आई तो पंड्या ने भी दिखा दिया कि भाई वो गुजरात का है इंडिया क्या आज की मैच किस तरह थी कितना उत्साहित है बहुत अच्छे से मैच आज अक्षर पटेल और हार्दिक अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या दोनों रहे कि कहां कहां कैसे जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में तो सूर्य उदय हुआ है अभी क्योंकि सूर्य कुमार ने आखिरी ओवर की पहली गेंद में मिलर का ऐसा कैच लपका कि हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप पक्का कर दिया वो जो मोहर थी ना वर्ल्ड कप चैंपियन की वो सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर की पहली गेंद में मिलर का कैच पकड़कर लगा दिया और उसके बाद ये नजारे पूरे हिंदुस्तान में बारबाडोस से लेकर बॉम्बे और बॉम्बे से नागपुर नागपुर से दिल्ली गाजियाबाद हर जगह जो है ये नाच गाने का जो माहौल है वो चल रहा है वो हम आपके लिए लाइव लेकर आ रहे हैं हर जगह से तस्वीरें क्योंकि हम भी आपके साथ जश्न मना रहे हैं यहां से लो जी वर्ल्ड कप आ गया पहले ही वर्ल्ड कप तैयार कर रखा था वर्ल्ड कप ट्रॉफी से ही बड़ा वर्ल्ड कप